यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जब भी व्हाट्सएप को खोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे मेरा जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पे मैसेज का नहीं खुल रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे ये एक मैसेज आ रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता लूँ कि जब भी आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये मैसेज इसलिए आता है कि आपको बैकअप कब लेना है वो यहाँ पे आपको बताया जाता है। बैकअप का मतलब ये होता है कि आप जो भी आप व्हाट्सएप के अंदर किसी को मैसेज करते हैं या फिर कोई भी आपको मैसेज करता है तो उसका जो डेटा है वो सेव रहता है, उसको सेव करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिलेक्ट ए बैकअप का जो ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कब यहाँ पे बैकअप लेना चाहते हैं, मतलब डे वाइज लेना चाहते हैं, वीक वाइज लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। अब लेने का फायदा ये कि आप जब व्हाट्सएप को डिलीट कर लेते हैं फिर भी आपने जो भी किसी से बात की है उसका सारा चैट बैकअप मिल जाता है। तो लेने के लिए आपको डेली, वीक या मंथली जो भी सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं लेना है तो यहाँ पे नेवर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार के कोई भी मैसेज बार बार दिखाई नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे आपने जो बैकअप को है वो पूरी तरह से बंद कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।